ओए मेहमानों के खाने के साथ लकड़ी भी रखी है कि नहीं? जी जी बड़े मियाँ, रख दिया लकड़ी भी। ठीक है ठीक है। यार ये खाने के साथ इतना बड़ा डंडा क्यों रख दिया इन लोगों ने? लगता है पहले हमें खाना खिलाएंगे फिर हमारी धुलाई करेंगे। डंडा देख के मेरी तो भूख ही मर गई है। खाना खाए ना भाई, सब ठंडा हो रहा है। आपके लिए देसी मुर्गा देसी घी में बनाया स्पेशल। बैंगन और दाल भी देसी घी में बनवाई है। वो सब तो ठीक है लेकिन आपने इतना मोटा डंडा खाने के साथ क्यों रखा हुआ है? हाँ ये डंडा, लेकिन ये डंडा रखा हुआ क्यों है? अरे हमें तो बड़े मियाँ ने कहा था खाने के साथ लकड़ी जरूर रखनी है। मुझे तो इस बड़े मियाँ की नीयत ठीक नहीं लग रही। अरे भाई इस तरह हम खाना नहीं खा पाएंगे। बड़े मियाँ से पूछ के आओ इतना बड़ा डंडा क्यों रखा हुआ है। हम अभी पूछ के आते हैं। उम्र सारी, खाने से पहले फिर से एक बार डंडा भी देख ले। बड़े मियाँ मेहमान पूछ रहे हैं कि खाने के साथ इतनी बड़ी लकड़ी क्यों रख दी है। अरे बेटा तो तुम उन्हें बताओ कि खाने के साथ लकड़ी रखना हमारी रिवायत है। अगर लकड़ी उन्हें बड़ी लग रही है तो तुम उसे थोड़ा छोटा कर दो, लेकिन उन्हें खाना जरूर खिलाना। बड़े मियाँ ध्यान से कहीं धोती गिर ना जाए। हट शरारती। यार इस डंडे का डर ना होता तो सारा कुछ खा लेते। इस आम को तो देख कितने मजे का लग रहा है। यार इस डंडे की वजह से तो मैं डरा बैठा हूँ, मेरी तो इसे देख देख के भूख भी मरती जा रही है। भाई साहब ये लकड़ी हमारी रिवायत है और आपकी ही खिदमत के लिए रखी है, हम इसको सेट कर देते हैं। ये पकड़ भाई। सुना तुमने, ये डंडा हमारी खिदमत के लिए, मैं तो कहता हूँ भाग चलते हैं। सही कह रहा है तू, चल निकले। भाई साहब हमें इजाजत दें, एक जरूरी काम याद आ गया। अरे क्या हुआ भाई साहब, खाना तो आपने खाया नहीं है, ये बस हो गया। क्या है ना भाई साहब, टाइम हो गया है अब ओवर, बहुत जल्दी एक जगह पे पहुंचना था, खाना फिर कभी खा लेंगे। नहीं नहीं भाई साहब, मियाँ साहब ने बोला है खाना खाने के बगैर जाने नहीं देना, बैठें। ओह नो, अब क्या करें? देखो भाई हमने कहा था कि बड़े मियाँ से पूछ के लाओ कि ये लकड़ी खाने के साथ पड़ी क्यों है, तुम इस सवाल का जवाब तो लाए ही नहीं। जब तक इस डंडे का मतलब नहीं बताओगे मैं खाना नहीं खाने वाला। मैं भी नहीं खाने वाला। ठीक है भाई हम अभी पूछ के आते हैं। ये कैसी रिवायत है, पहले खाना खिलाएंगे फिर पेलेंगे। यार भूख भी बड़े जोर से लगी हुई है। बड़े मियाँ वो मेहमान पूछ रहे हैं कि खाने के साथ ये लकड़ी रखी क्यों है। तो बच्चा तुम उनको समझाओ कि खाने के बाद ये लकड़ी तुम्हारे ही काम आनी है। अच्छा बड़े मियाँ। ऐ खुदा हमें इस डंडे के अजाब से बचा। आमीन। भाई साहब बड़े मियाँ कह रहे हैं कि खाना खाने के बाद ये लकड़ी आपके ही काम आएगी। मैंने कहा था ना इनकी रिवायत होगी, पहले खाना खिलाएंगे फिर इसी लकड़ी से धुलाई करेंगे। मैं तो कहता हूँ इन्हीं दो बेवकूफों को खाना खिला देते हैं ताकि धुलाई भी इनकी हो। देखो भाई हमारा तो पेट हो चुका है फुल, तुम दोनों बैठो और हमारी जगह पे ये खाना तुम दोनों खा लो। हम? अरे हाँ हाँ भाई हम खुद कह रहे हैं, बैठो बैठो, आजो 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 आजो, खाओ ना, शुरू करो शुरू करो। खाना शुरू करो भाई। खाना भी खुद खाओ ताकि लकड़ी भी तुम्हारे काम आए। सारा कुछ ही चट कर गए हैं। हाँ यार। ओह नो। ओए बगैर तो ये क्या कर रहे हो? देखा देखा देखा, मैंने कहा था जो खाना खाएगा उसी की धुलाई होगी इस डंडे से। मेहमानों का खाना तुम क्यों खा रहे हो? अरे बड़े मियाँ मेहमानों ने खुद बोला कि खाना आप खाएं। ये क्या बोल रहे हैं, आपने खाना क्यों नहीं खाया? अरे हम क्यों खाते खाना, आपकी रवायतें इतनी उल्टी सीधी हैं। इतना बड़ा डंडा रख दिया आपने खाने के साथ, पहले आप खाना खिलाएंगे फिर उसी डंडे से हमारी धुलाई करेंगे ना, इसलिए नहीं खाया। ओहो बेशर्मो, मैंने तुम्हें कहा था छोटी सी लकड़ी रखना ताकि गोश्त खाने के बाद जो दांतों में फंसे उसे निकाल सके, तुमने इतना बड़ा डंडा रख के इनको डरा दिया। लकड़ी का कहा था जो दांतों से खाना निकालने के लिए होती है। जी जी बगैर तो सारा खाना चट कर गए।